हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा बन जाए, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। अगर कुछ सीखना है, समझना है, तो कुछ सीखने समझने के लिए थोड़ा टाइम देना जरूरी होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज आप लोगों को मैं इस प्लान का इलेक्ट्रिकल लेआउट के बारे में बताऊंगा। इलेक्ट्रिकल लेआउट के बारे में हमको क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी चाहिए जब भी हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग का काम कराएं, और वो किन बातों का हमको विशेष ध्यान देना है। तो स्लैब इलेक्ट्रिकल, अब स्लैब इलेक्ट्रिकल क्या होता है? स्लैब इलेक्ट्रिकल का मतलब होता है जब हम स्लैब कास्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम स्ट्रक्चर पार्ट अभी कंप्लीट नहीं किए हैं, मतलब कि जब हम स्लैब का शटरिंग कंप्लीट कर लेंगे, उसका रेनफोर्समेंट कंप्लीट कर लेंगे, तो वहां पर हमको इन लाइटों के पॉइंट देने पड़ते हैं, मतलब कि स्लैब के अंदर। पहले एक्चुअली क्या होता था कि हमारी जो वायरिंग होती थी वो दीवार के बाहर साइड ही वायरिंग रहती थी। अब हम क्या करने लग गए हैं कि कंसील्ड वायरिंग करने लगे हैं, मतलब कि हमारे रूम में कहीं भी वायरिंग का जाल ऐसा कुछ दिखेगा नहीं, ठीक है। वो हमारे वॉल के अंदर, स्लैब के अंदर रहती है। तो जब हम स्लैब पे जहाँ फैन लगता है, जैसे ये जो आप पॉइंट देख रही है हमारे फैन का पॉइंट है, और ये जो चार कॉर्नर पे आप देख रहे हैं ये हमारे लाइट का पॉइंट है। इसी तरह सब रूम में कहाँ पर फॉल सीलिंग लाइट आ रही है, मतलब स्लीव आ रही है, और कहाँ पर फैन आ रहा है, इसका लोकेशन फिक्स है। यहाँ पर पूरे लोकेशन के बारे में बताया हुआ है। जब हम स्लैब कास्ट करने वाले रहते हैं, एक मैं आपको फोटो दिखाता हूँ। अभी आपको जो प्लान दिखा रहा है ये उसी प्लान का, फोटो को समझिए। तो देखिए, इसमें हमारा सेंटर में एक फैन का बॉक्स है, ठीक है। यहाँ पर एक लाइट का बॉक्स है, यहाँ पर ये देखिए सेंटर में हमारा क्या है, सेंटर में एक फैन का बॉक्स है, और ये चारों कॉर्नर पे लाइट का बॉक्स, मतलब स्लीव डाले हुए हैं। अब ये क्यों करते हैं? क्योंकि वायरिंग के लिए। अगर सपोज हमको ये फैन को कंट्रोल करना है तो यहाँ वायरिंग कैसे लाएंगे? तो ये जो 1.25 इंच, 1 इंच का जो वायरिंग होती है वो यहाँ से लाकर यहाँ पर दी गई है। और आप बोलेंगे कि फैन में तो एक ही जगह से लाइट आ सकती है, मतलब कि फैन के लिए इतने सारे पाइप क्यों डाले गए? इतने सारे पाइप इसलिए डाले गए कि अगर हमको लाइट को इस तरफ से इस तरफ क्रॉस करना है, या फिर किधर से भी क्रॉस करना है। कई बार क्या होता है कि एक दो लाइन हमारी क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, तो हमको रास्ता नहीं मिल पाता। तो हम क्या करते हैं, दूसरे पाइप के थ्रू रास्ता बनाकर वायरिंग को एक एंड से दूसरे एंड तक ले जाते हैं। तो इसलिए कुछ कुछ पाइपें एक्स्ट्रा भी डाली जाती हैं, ठीक है। तो ये जो काम होता है, ये हमारी जब शटरिंग लग जाती है, उसके बाद स्टील बंद गया, स्टील कंप्लीट हो गया, ये स्लैब कास्ट करने से पहले का काम होता है, ठीक है। तो आप समझ गए आप स्लैब इलेक्ट्रिकल का क्या मतलब होता है। स्लैब इलेक्ट्रिकल की लेआउट की ड्राइंग कुछ ऐसी होती है। कुछ और फोटो दिखा दूं मैं आपको इसी से रिलेटेड। ये फोटो देखिए, ये भी हमारा उसी तरह, ये जो बॉक्स होता है ये हमारे फैन का बॉक्स है, और ये जो चारों कोने में लाइट का बॉक्स है हमारा। चलिए, स्लैब इलेक्ट्रिकल के बारे में तो आप तो समझ गए कि स्लैब इलेक्ट्रिकल हम कैसे करते हैं, और उसकी ड्राइंग में हमको क्या ध्यान देना चाहिए। अब स्लैब इलेक्ट्रिकल के बाद अब हमारी बारी आती है वॉल इलेक्ट्रिकल की। अब वॉल इलेक्ट्रिकल का मतलब कि वॉल पर कहाँ कहाँ पर बोर्ड आएंगे, मतलब स्विच बोर्ड आएंगे, कहाँ पर प्लग आएगा, कहाँ पर लाइट आएगी, उसके बारे में डिटेल हमको कहाँ मिलेगी वॉल इलेक्ट्रिकल में। अब वॉल इलेक्ट्रिकल में देखिए क्या क्या होता है, तो मैं स्टार्टिंग से बात कर रहा हूँ। अब देखिए, आपको यहाँ पर कुछ थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। देखिए, किसी भी चीज़ का ड्राइंग आप पढ़ने से पहले तो आप सिंबल के बारे में जानिए कि यहाँ पर जो भी ये मार्किंग है, जो भी ये आइकन है, ये कौन सी चीज़ के लिए क्या है, मतलब किस आइकन को क्या बोलेंगे, किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, ये क्या चीज़ को डिनोट कर रहा है, और ये डब्ल्यू क्या चीज़ को डिनोट कर रहा है। इसके लिए हम चलते हैं सिंबल डिटेल में। देखिए, यहाँ पर तीन टाइप के सिंबल हैं, ठीक है। पहला है स्विच बोर्ड, दूसरा है वॉल लाइट, हाइट है 8 फीट की हाइट पर लगेगा, और ये जो उल्टा के देख रहे हैं आप, मतलब उल्टा क्या डाउनवर्ड में, वो है प्लग। अब मैं बात करता हूँ प्लान की। अब यहाँ पर एक स्विच बोर्ड दिया गया है, जिस स्विच बोर्ड से ये लाइट कंट्रोल होगी, ठीक है, और इसी स्विच बोर्ड से ये लाइट भी कंट्रोल होगी और ये लाइट भी कंट्रोल होगी। अब ये जो लाइट है हमारे स्लैब में लाइट आ रही है, ठीक है, ये हमारी वॉल पे लाइट आ रही है, ठीक है, ये चीज समझिएगा। ये वॉल लाइट है और ये हमारी स्लैब की लाइट है, ये दोनों अलग अलग लाइट होती है, ठीक है। अब हम रूम के अंदर इंटर कर गए। अब रूम के अंदर इंटर करते ही आप देखेंगे कि स्विच बोर्ड यहाँ दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्यों दिया हुआ है? तो जाहिर सी बात है कि जब हम घर के अंदर जाएंगे, इंटर करेंगे, तो घर में लाइट नहीं होगी, तो हमको ऑन करने के लिए दरवाजे के पास ही स्विच बोर्ड मिले, ये चीज का हम ध्यान देंगे। चाहे आप बेडरूम में बात करें, चाहे किसी भी रूम में, आपको दरवाजे के पास आपको अपना बोर्ड देना है, ताकि आपको ज्यादा अंदर ना जाना पड़े किसी लाइट को ऑन करने के लिए। देखिए, एक चीज और आपको यहाँ क्लियर करूं, अभी हम इस लाइट को इस स्विच बोर्ड से कंट्रोल कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो एक वायर यहाँ भी कनेक्ट दिखा रहा है कि हम इस स्विच बोर्ड से ये लाइट भी कंट्रोल करना है। अब ऐसा क्यों हुआ? इस बोर्ड से ये लाइट को कंट्रोल कर ही रहे थे, तो यहाँ से क्यों कंट्रोल करवाया गया? तो एक्चुअली ये जो रेड लाइन देख रहे हैं आप, इसे हम बोलते हैं टू वे स्विच,
टू वे स्विच का मतलब होता है किसी एक चीज को हम दो जगह से कंट्रोल करें, मतलब दो स्विच से कंट्रोल करें। वो कैसे? अगर सपोज आप घर के अंदर हैं, आपको देखना है पार्किंग में कौन है या फिर कोई आया है, तो आपको लाइट चालू करने के लिए ये पार्किंग के अंदर आने की जरूरत ना पड़े। आप यहाँ से दरवाजे से ही लाइट ऑन करके देख सकते हैं यहाँ पर कोई है या नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं टू वे स्विच। अब टू वे स्विच और कहाँ कहाँ लगाते हैं, तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैक्सिमम लोग यूज करते हैं वो होता है हमारा स्टेयर केस में। देखिए इस स्विच बोर्ड से ये लाइट को कंट्रोल किया हुआ है और यहाँ वाले स्विच बोर्ड से भी ये लाइट कंट्रोल किया हुआ है, ठीक है? अभी इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ मैं। अब जब स्टेयर से चढ़ेंगे तो लाइट ऑन कर लिया, हमने फर्स्ट फ्लोर पर आ गए, तो आप लाइट ऑफ करने के लिए कहाँ जाएंगे? क्या नीचे उतरेंगे? नहीं, हम इसी स्विच से इस लाइट को ऑफ कर देंगे। इन केस फिर हमको नीचे जाना पड़ा तो हम यहाँ से ऑन कर देंगे और नीचे आके यहाँ से बंद कर देंगे। इसको बोलते हैं टू वे स्विच, ठीक है? आप टू वे स्विच के बारे में आप समझ गए। अब हम लोग आते हैं बेडरूम में। देखिए बेडरूम में भी टू वे स्विच का यूज किया हुआ है। ये जितनी रेड लाइट है ना, इसको हम टू वे स्विच बोलते हैं। अब टू वे स्विच क्यों जरूरत पड़ती है? अब यहाँ पर आप प्लान देखिए, यहाँ पर प्लान में देखिए कि बेड का ओरिएंटेशन किस तरह बताया हुआ है। तो बेड का ओरिएंटेशन कुछ इस तरह बताया हुआ है, ठीक है? आपने देख लिया ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या हुआ कि आप घर के अंदर एंटर हुए, आपको यहाँ पर एक बोर्ड दिखा, जिस बोर्ड से आप ये लाइट को कंट्रोल किए, इसी बोर्ड से आप ये फैन को कंट्रोल कर लिए, ठीक है? अब आ गए आप बेड पर। बेड पर आपको जरूरत पड़ती है कि आपको फैन ऑफ करना है, तो आपको बेड से नीचे ना उतरना पड़े, आप बेड के पास से ही ये फैन को कंट्रोल कर सकते हैं, इस लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। और जो दूसरे तरफ बोर्ड दिया है उससे आप ये फॉल सीलिंग के लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने हेड के ऊपर लगे हुए वॉल लाइट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इस ड्राइंग में जस्ट आपको वायरिंग के बारे में बताया हुआ है कि किस बोर्ड से कौन सी लाइट कंट्रोल होगी, किस वॉल पे हमको क्या लगाना है, किस वॉल पे बोर्ड लगाना है, किस बोर्ड से कौन सी लाइट फैन कंट्रोल होने है, उसके बारे में पूरी डिटेल आपको इस ड्राइंग में मिलेगी, ठीक है? अब हम बात करते हैं इसी के दूसरे डिटेल के बारे में। अब ये रहा हमारा दूसरा डिटेल ड्राइंग, उसी ड्राइंग का है, ठीक है? इसमें क्या चीज मेंशन है? इसमें हमारा मेंशन है लोकेशन, मतलब कि ये जो लाइट देख रहे हैं आप, लाइट का हाइट तो आपको पता चल गया कि 8 फीट पे लगाना है, ठीक है, वॉल लाइट, लेकिन किस जगह पे लगानी है? तो यहाँ पर वो चीज देखिए मेंशन है कि हमने अपने को इस वॉल से 4.5 फीट की डिस्टेंस पर ये लाइट लगानी है। ये जो बोर्ड आएगा ये अपने कॉलम से, ये देखिए अपने कॉलम से 1 फीट की दूरी पर आएगा। यहाँ पर हर बोर्ड का अपना अपना डायमेंशन है और अपनी अपनी लोकेशन है। तो दूसरे ड्रॉइंग में इस बोर्ड की लोकेशन, लाइट की लोकेशन, इसके बारे में आपको पता चलेगी। ये चीज एक ही ड्राइंग में इसलिए भी नहीं की जाती क्योंकि एक ही ड्राइंग में अगर कर देंगे तो समझना काफी टफ हो जाता है और खिचड़ी बन जाती है, तो लोग एक दूसरे को कोरिलेट नहीं कर पाते हैं और इसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो इसको अलग अलग कर दिया गया है, ठीक है? अब मैं इलेक्ट्रिकल का तीसरा और फाइनल ड्राइंग की तरफ आता हूँ। ये अब इसमें क्या चीज है, इसमें आपको देखिए जानने वाली काफी सारी चीजें हैं। वो कैसे? सबसे पहला लोकेशन पता चला कि आपको कहाँ पर बोर्ड लगाना है, किस पोजीशन पर लगाना है। उसके बाद इस ड्राइंग में उस बोर्ड की हाइट, उसके बारे में बताया हुआ है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ हाइट है 4.5 एट द रेट 4 m। 4 m क्या है ये मैं आपको थोड़ी देर से क्लियर करता हूँ, ठीक है? यहाँ पर देखिए हर स्विच का, हर बोर्ड का हाइट लिखा हुआ है। जैसे कि ये जो आप बेड देख रहे हैं, ये बेड की हाइट कितनी है? 2 फीट, क्योंकि हमारे बेड जनरली मतलब कि 1.5 फीट या 1.25 फीट का होता है, मतलब 1 फीट 6 इंच या 1 फीट 8 इंच के आसपास कुछ होता है। तो उसके हिसाब से ये जो हाइट लिखी हुई है, यहाँ पर लिखा है 2 और एट द रेट यहाँ 8 m लिखा हुआ है। अब 8 m क्या है? 2 मिनट रुकिए, ठीक है? यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है जो LED हाइट 2 फीट पे लगाना है। स्विच फॉर TV सेटअप बॉक्स DVD एंड 1 16 एम्पियर का प्लग। ये गलत चीज लिखा हुआ है, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, उसको छोड़िए, ठीक है? यहाँ पर पूरी हाइट के बारे में डिटेल लिखी हुई है। जो भी स्विच बोर्ड है, जैसे ये देखिए, अब यहाँ पर ये जो प्लग दिया हुआ है, ये जो K देख रहे हैं, ये क्यों दिया हुआ है? ये हमारा RO वाटर के लिए। कितनी हाइट पर लगेगा? 6 फीट 3 इंच। अब क्यों 6 फीट 3 इंच पर लगा? क्योंकि यहाँ पर RO का पाइपलाइन भी आना है, ठीक है? तो पाइपलाइन हमारा कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा, और जो RO का जो प्लग रहेगा वो ऊपर रहेगा। वाटर की लाइन को और इलेक्ट्रिकल लाइन को हम एक साथ नहीं कर सकते हैं, आजू बाजू भी नहीं कर सकते, उसमें कुछ डिस्टेंस हमको छोड़ना पड़ता है, तो वो चीज यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। देखिए बाथरूम में भी एक चीज मैं बता दूं कि जिस भी वॉल पर आपका शावर आ रहा है, नल आ रहा है, आप उस वॉल पर लाइट को इग्नोर करिए, ठीक है?
उस वॉल पे लाइट को ना लेके दूसरे या डिफरेंट वॉल पे लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी और वाटर लाइन दोनों अगर कभी डैमेज होती है तो कुछ एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए हम ये चीज़ इग्नोर करते हैं कि लाइट हम और पानी की लाइन ये दोनों हम अलग अलग वॉल पे दें। ठीक है, यहाँ पर एक सैंपल बनाया हुआ है ये। अब ये सैंपल क्या है, ये हमारा है एग्जॉस्ट फैन का, जो कि कितने हाइट पे आना है, 8 फीट की हाइट पर आना है, और उसके लिए ये रहा प्लग। ठीक है, ये ड्रॉइंग आप समझ गए। आपको एक छोटा सा ब्रीफ दे दूं तीनों ड्रॉइंग के बारे में। इस पहले ड्रॉइंग में लिखा हुआ है कि किस जगह पर आपका कौन से बोर्ड से कौन सा लाइट फैन कंट्रोल होगा, उसके बारे में डिटेल है। दूसरे ड्राइंग में ये जो आप स्विच बोर्ड देख रहे हैं, लाइट देख रहे हैं, प्लग देख रहे हैं, इन सब की लोकेशन के बारे में बताया हुआ है कि किस लोकेशन पे वो लाइट फैन या फिर प्लग आएगा। अब तीसरे ड्राइंग में लिखा हुआ है उस चीज की हाइट, मतलब कि आपके बोर्ड की, आपके लाइट की, आपके स्विच बोर्ड की, आपके प्लग की, इनकी हाइट के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, हाइट कहाँ पर आएगा, अप्लायंस के हाइट के बारे में भी यहाँ पर आपको लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं ये जो आप देख रहे थे 6 एम, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 10 एम, यहाँ पर लिखा हुआ 8 एम, ये क्या है। इसके लिए मैं आपको कुछ इमेज दिखाता हूँ। ये हमारा है 3 मॉड्यूल का। अब 3 मॉड्यूल का बॉक्स कैसे हुआ, आप अभी इस चीज को समझिए इतना। इसको हम बोलते हैं 1 मॉड्यूल। ठीक है, ये हुआ हमारा 2 मॉड्यूल, ये हमारा हुआ 3 मॉड्यूल। तो ये हुआ हमारा 3 मॉड्यूल का बॉक्स, मतलब 3 मॉड्यूल का स्विच बोर्ड। ये हमारा 4 मॉड्यूल हो गया, 1, ये 2, ये 3, ये हमारा 4। अगर मैं 1 मॉड्यूल की बात करूं तो 1 मॉड्यूल में हमारा 2 स्विच आएगा, प्लग आ सकता है या फैन का रेगुलेटर आ सकता है या बेल आ सकता है, आपके ऊपर है। उसी तरह ये देखिए, ये हमारा 6 मॉड्यूल का बॉक्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हमारा 9 मॉड्यूल का बॉक्स है, ठीक है, जिसमें अलग अलग टाइप के स्विच लगे हुए हैं फैन का कंट्रोल करने के लिए, ये अपना मोबाइल चार्जिंग, टीवी और टेलीफोन और इंटरनेट कनेक्शन के लिए, ये हमारे एमसीबी भी इसी में लगा दिया गया है, ये सब उस चीज को कंट्रोल करने के लिए स्विच है। यहाँ पर समझिए, इसको हम बोलेंगे 6 मॉड्यूल, मतलब कि आपके बोर्ड में जितने होल है ना उतने मॉड्यूल हम काउंट करते हैं। अगर 6 होल है तो 6 मॉड्यूल का बॉक्स है। अब ये डिफरेंट डिफरेंट आते हैं, 1 मॉड्यूल से लेकर 10, 12 मॉड्यूल तक आते हैं। आपको जहाँ पर जितने स्विच की क्वांटिटी लगानी है, जितने ज्यादा स्विच लगाने हैं, उसके हिसाब से आप अपने बॉक्स को फिट करेंगे। बस इतनी ही चीजें थी इलेक्ट्रिकल लेआउट के ड्राइंग में। आई होप आप लोग को इलेक्ट्रिकल लेआउट के बारे में कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो, कुछ ना कुछ समझने को मिला हो। और जो मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो प्लम्बिंग एंड सैनिटरी के ऊपर, कि प्लम्बिंग एंड सैनिटरी का वर्क हम कैसे कराते हैं और ये सब काम करने के बाद हम चेक करने के तरीके क्या क्या होते हैं कि प्लम्बिंग में कहीं लीकेज तो नहीं है, कहीं से हमारा स्लोप गड़बड़ तो नहीं है, स्लोप प्रॉपर है या नहीं है, ये चीज कैसे चेक करेंगे, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं ये वीडियो डालूँ, 1-2 दिन में डाल दूंगा, उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। आपको ये जो हमने अभी वीडियो बताया, ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर कुछ भी सवाल या सुझाव है, कुछ भी क्वेश्चन है, तो प्लीज कॉमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, और ज्यादा ही अच्छा लगा तो शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।